जयदु सुद देवता श्रुत देवता की जय हो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, अमृतचंद्र स्वामी जी की भाषा में नित्यमेव प्रकाशताम, जहाँ दूर दूर तक काल दिखाई दे रहा है वहाँ तक जैन शासन का प्रचार प्रसार अबाधित रूप से होता रहे। श्रुत पंचमी का प्रसंग है। हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली अनुभवते हैं। वह कैसे? आज से 250 वर्ष पूर्व पंडित टोडरमल जी विराजते थे और उन्होंने सिद्धांत ग्रंथ की प्राप्ति के हेतु 4-5 साधर्मी भाइयों को दक्षिण तक प्रयास किया। उन्होंने दक्षिण के एंड तक, समुद्र तक, किनार पट्टी तक, जैन बद्री शहर तक खूब प्रयास हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था कि धवल, जय धवल और महाधवल के सभी भाग वहाँ पर विद्यमान है। लेकिन दुर्दैव ही कहो, वे दर्शन मात्र ही विद्यमान थे और हाथ भी किसी को लगाने नहीं दिया जाता था। और तो और, इन 4-5 साधर्मी भाइयों के बीच में एक विशेष साधर्मी डालूराम जी, उनका भी मरण हो गया। अपनों को खोना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। और ये लगभग ये अभियान, सर्च का अभियान 4-5 साल तक चलता रहा। और कहाँ से उपलब्ध हो सकते ये सिद्धांत ग्रंथ धवल, जय धवल, महाधवल के? ये भी ट्रेस लगा बाद में कि औरंगाबाद से 100 कोस दूर मलईखेड़ा नाम का एक ग्राम है, वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर सर्च चालू हो गई, लेकिन आखिर तक पंडित जी साहब को सफलता नहीं मिली। आखिर ये दुर्दैव ही कहो, उनके सामने धवल, जय धवल, महाधवल, ये कुछ भी महान विभूतियाँ उनके सामने नहीं आ पाई। इसलिए मैंने अभी अभी ये कहा, पीछे मुड़ के देखते हैं हम स्वयं को बहुत ही खुश नसीब अनुभवते हैं। पंडित जी साहब ने जिसकी प्राप्ति के लिए इतना प्रयास किया वह हमारे सामने आज सहज साध्य है। आप लोग जानते होंगे अध्यात्म के प्राण प्रणेता, हमारे आधार स्तंभ आचार्य कुंदकुंद देव, उन्होंने भी षटखंडागम के प्रथम 3 खंड पर अपनी परिकर्म नाम की टीका लिखी थी। दुर्भाग्य से आज वो भी अनुपलब्ध है। समंत भद्र स्वामी, न्याय के फाउंडर, उन्होंने भी षटखंडागम में से प्रारंभिक 5 खंडों पर टीका लिखी थी और वो भी आज अनुपलब्ध है। भाग्य से वीरसेन स्वामी की लिखी हुई धवल, जय धवल, महाधवल टीकाएं आज विद्यमान है। सिद्धांतों का अध्ययन हम निरंतर करते रहे और कितना आनंद आता है इसका, ये वही जानता है जो उसका आनंद लेता है। और मैं भी निरंतर पढ़ता ही रहता हूँ, सोचता हूँ जो मेरे अच्छी चीज़ पढ़ने में आई है वो आपके साथ भी साझा करो, क्योंकि जो चीज़ साझा नहीं होती वो यूं ही लुप्त तो हो जाती है, ये प्रकृति का नियम है। जीव स्थान का, सत प्ररूपणा का एक महत्वपूर्ण छोटा प्रकरण हम लेते हैं, बड़ा आध्यात्मिक और रोचक प्रकरण है। इसके लिए आपको रिफर करना चाहिए 35 से लेकर 40 पृष्ठ तक का मैं प्रकरण लूँगा। मंगलाचरण का प्रकरण चल रहा है, ये पहले भाग का ही प्रकरण ले रहा हूँ। वैसे उससे पहले मैं और एक बात कह दूं, गौरवशाली जैन शासन में, जैन कुल में उत्पन्न हुए नवजात शिशु को भी घुटी में
नमोकार मंत्र एंड सेकंड बोलिए चार मंगल का पाठ, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम आदि। यह घुटी में यह पिलाया जाता है, छोटे बच्चे को भी ये चीज पता होती है कौन कौन मंगल है कौन कौन नहीं। उसको पूछो तो वो कहेगा अरहंत सिद्ध साधु और इनके द्वारा प्रणीत धर्म। लेकिन आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा, यहाँ पर घुटी में ही प्रारंभ में ही षटखंडागम की टीका के प्रारंभ में ही एक बहुत ही रोचक प्रकरण आया है जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और उनके द्वारा प्रणीत धर्म ये ही मंगल नहीं है, तो जीव मात्र में मंगलपना सिद्ध किया है। यहाँ पर जिस प्रकार आत्मख्याति टीका के प्रारंभ में ही समस्त जीव राशि में सिद्धत्व की स्थापना की है अमृत चंद्र देव ने, इसलिए स्वयं को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर भी टीका में जीवो ही मंगलम सच केवल ज्ञानाद्य नंद धर्मात्मक ऐसा कहकर जीव मात्र के मंगलपना सिद्ध किया है। जीव मात्र के मंगलपना किस हेतु से? क्योंकि हरेक जीव में केवल दर्शन और केवल ज्ञान पाया जाता है। हरेक जीव में, हाँ हाँ हरेक जीव में ये प्रकरण ही कुछ ऐसा है जो आपको अंदर से एकदम इग्नाइट करेगा, आपको हिला देगा, जिसमें यह कहा जा रहा है जीव मात्र सबको मंगलपना कहा जा रहा है। और मंगलपने का हेतु केवल दर्शन केवल ज्ञान हरेक जीव में पाया जाता है। उस प्रकरण को थोड़ा सा लूंगा, पढ़ने की बहुत फुर्सत नहीं है, आप बाद में उसको रिफर करना, मैंने पेजेस पे आपको बताए हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ से ही बोलता हूँ। शंका उत्पन्न की है शंकाकार ने, क्योंकि कि कोई भी ये सुनकर बहुत ही असहज हो उठेगा। वो ये सोच सकता है केवल दर्शन और केवल ज्ञान हरेक जीव में कैसे पाया जाता है और मंगलपना हरेक जीव को कैसे घटित होता है, तो उसने पहले ही शंका उत्पन्न की है। मैं चार पांच शंकाओं के माध्यम से चर्चा करूंगा थोड़ी सी। पहली शंका उत्पन्न हुई है, शंकाकार ये कहता है जो अवृत्त कर्मबद्ध जीव है भला उसके केवल दर्शन केवल ज्ञान कैसे पाया जाता है। आचार्य देव समाधान करते समय कुछ हेतु देते हैं। हेतु एक, हेतु ये दिया है केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण, इस कर्म ने यह सिद्ध किया है कि अंदर में केवल दर्शन और केवल ज्ञान विद्यमान है। केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण एक। दो, आगे ये कहते हैं लक्षण के अभाव में लक्ष्य के अभाव का प्रसंग खड़ा होता है, इसलिए केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप लक्षण की स्वीकृति करना चाहिए और हरेक जीव में करना चाहिए। अगेन दूसरा हेतु समझ में आ गया, क्योंकि जैसे उपयोग के अभाव में उपयोगवान की भी नास्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर लक्षण बनाया जा रहा है। क्या लक्षण कह रहे हैं? ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन जीव मात्र का लक्षण है। अब सुनते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। हेतु तीन, तीसरा हेतु देते समय आचार्य देव ये कहते हैं वीरसेन स्वामी, जिस प्रकार आग को भस्म से ढका गया हो, ऐसा होने पर भी अग्नि के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जा सकती। आज भी उसका ताप, फैलने वाला ताप, उष्णता, धुंधला धुंधला प्रकाश इस बात की चिल्ला चिल्ला कर सिद्धि करता है हाँ मैं अंदर में विद्यमान हूँ। इतनी सी भी आज वो आपको बता देगी इस भस्म के नीचे अंगारा छिपा है। सिद्ध क्या करना चाहते हैं? हरेक जीव में केवल ज्ञान केवल दर्शन होता ही है, आप उसको मानो अथवा न मानो। कितने हेतु हुए? तीन। चौथा हेतु दिया संतान क्रम की निरंतरता के कारण उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, कभी भी ये श्रृंखला टूट नहीं पाती। मैं जानता हूं आपको बहुत सरलता से गले नहीं उतर रहा यह प्रकरण, पर शंकाकार ने दूसरा प्रश्न फिर खड़ा किया और मानो दूसरा खड़ा करके वो वहीं पर खड़ा है और वो ये कह रहा है बट ये कैसे हो सकता है ऐसा,
जीव तो साफ साफ आवृत्त है और उसके केवल दर्शन केवल ज्ञान का सद्भाव संभव ही नहीं है। आचार्य देव फिर यहां पर कहते हैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ज्ञान दर्शन के बिना कोई वस्तु ही नहीं है दूसरी। और केवल ज्ञान केवल दर्शन का यदि लोप करोगे तो ज्ञान दर्शन का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक पना है। दूसरा प्रश्न और दूसरे शंका और उसका भी समाधान आचार्य देव ने कर दिया। फिर से रिपीट करता हूं, दूसरी शंका क्या थी, फिर उसी पर डटा रहा है। कुल मिलाकर वही शंका फिर से, अवृत्त जीवों के केवल दर्शन ज्ञान कैसे भला? तो समाधान में यह कहा जा रहा है ज्ञान दर्शन के बिना, केवल दर्शन केवल ज्ञान के बिना ज्ञान दर्शन का अस्तित्व पाया ही नहीं जाता। फिर एक शंका उत्पन्न की है उसने जो बहुत जायज है। क्या प्रश्न होना चाहिए, क्या बात करते हैं आप, केवल दर्शन केवल ज्ञान के बिना ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता? पाया जाता है। छद्मस्थों में मति ज्ञान और चक्षु आदि दर्शन के रहते हुए ज्ञान दर्शन पाया ही जाता है। अभी आपको समाधान मिलेगा बहुत अच्छे से। आचार्य देव कहते हैं तुम दूसरी बात करने लग गए, हम ये कह रहे दरअसल हम लक्षण सामान्य की बात कर रहे हैं, जानना देखना मात्र की बात कर रहे हैं, तुम विशेष पर्य की बात करने लग गए, शायद आप जुड़ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ जो केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप क्षायिक भाव हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए आपको। जो जानना 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 देखना 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 जो जीव मात्र के पाया जाता है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अभी अमीर भी सांस लेता है, गरीब भी सांस लेता है। सांस लेना मात्र की तरफ से देखिए, जिंदा दिली की तरफ से देखिए, तो दोनों जीवित है। ठीक उसी प्रकार से निगोद से लेकर सिद्धों तक ना उनकी विशेष पर्याय देखना, विशेष पर्याय उनकी कौन सी, केवल ज्ञान, वेरी गुड, ना इनकी विशेष पर्याय देखना इस पार्टी की मतलब मति ज्ञान, वेरी गुड, दोनों की सामान्य पर्याय देखना है। और व्हाट इज दिस सामान्य पर्याय, जानना देखना। अच्छी भाषा में बोलो, यहाँ की भाषा में केवल दर्शन केवल ज्ञान। ये केवल दर्शन केवल ज्ञान कहकर ही इज रिफरिंग टू उपयोग लक्षण जो जीव मात्र में पाया जा रहा है, उसको भी केवल शब्द से ये शुद्धता को दर्ज करना चाहते हैं। और वो ये कहना चाहते हैं उस केवल ज्ञान दर्शन का अंकुर यहां पर विद्यमान है, अंकुर यदि नहीं होता तो फल भी नहीं आता, क्योंकि सर्वथा अभाव का कभी भी सद्भाव नहीं हो सकता। थोड़ा कुछ जिंदा हो उसी का बड़ा हो सकता है। फूक मारने से भड़का हो जाए आग का, ये तभी संभव है। बोलिए, एक चिंगारी चाहिए और चिंगारी में वही स्वभाव है जो दावा नल में है, शावक में वही स्वभाव है, वही आकड़ वही शूरता है जो शूरता, बोलिए, एक शेर में हुआ करती है, पिता झलक जो पुत्र में दिखती। ये प्रकरण चल रहा है। कितनी शंकाएं हुई अपनी, तीन शंकाएं उत्पन्न हुई, अभी चौथी शंका उसने फिर खड़ी की है। अच्छा, तीसरी शंका के समाधान में यह बताया गया था, यह जो मति ज्ञान आदि की तुम बात कर रहे हो और यह कह रहे हो कि मति ज्ञान के बिना, मति ज्ञान तो रहता ही है और इसलिए केवल दर्शन ज्ञान के बिना भी ज्ञान दर्शन पाया जाता है। तो आचार्य देव ने यहाँ पर इतना सा समाधान किया कि मति ज्ञान और चक्षु आदि दर्शन कहकर तुम विशेष पर्याय की बात कर रहे हो, हम विशेष पर्याय की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात, तो इससे तो शंका, चौथी शंका, इसमें तो भारी आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी, इससे तो जीव मात्र के मंगलपना जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन फिर दुर्गति में जाने वाले मिथ्या दृष्टियों के भी मंगलपना सिद्ध होगा। आचार्य देव समाधान में बहुत साधारण रूप से इतना कह देते हैं कि बोले यह कोई दोष नहीं है, मिथ्या दृष्टियों में भी मंगलपना घटित हो तो भले ही घटित हो, लेकिन उनके ज्ञान दर्शन को मंगलमय कहा गया है। क्योंकि आज भी ऐसे मिथ्या दृष्टियों के जो मिथ्या दर्शन अविरति आदि उत्पन्न है उनके मंगलपना प्राप्त नहीं होता।
ज्ञान दर्शन की बात चल रही है, ये कहकर प्रकरण को उन्होंने समाप्त करने को है। अभी और एक प्रश्न शंकर ने पूछ लिया है, नहीं साहब अभी भी नहीं जम रही है, वो कैसे जाति एक है हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य देव यहाँ पर अंतिम समाधान ये करते हैं, वे ये कहते हैं देखिए जिस प्रकार साधक सम्यक दृष्टि जीव है, साधक छद्मस्त, उसको किसी अपेक्षा से जिन कहा कि नहीं कहा, 31वीं गाथा समय सार के देखना चाहिए, जिसमें चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को जो इंद्रियों से रहित स्वयं को अनुभवता है उसको जितेंद्रिय जिन बोला, और भी ग्रंथों में देखना चाहिए, द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में ही सम्यक दृष्टि को जिन कहा, जिन, क्योंकि एक जाति होने से भगवान समानपना होने से चौथे गुणस्थानवर्ती को भी भगवान जिन ऐसा बोला है। तो आचार्य देव वीरसेन स्वामी ये कहते हैं जिस न्याय से छद्मस्त साधक की तुलना भगवान से की है, क्या उस न्याय से मिथ्या दृष्टि का ज्ञान दर्शन सामान्य शुद्ध जानना 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 जो आप में होता है, मुझ में होता है, भगवान में होता है, निगोदी में, जीव मात्र में जो जानना देखना होता है, उसकी तरफ से यदि देखा जाए तो मानना चाहिए जाति समान है और भगवान में और अपने में सब में ये बात समान है। पाप क्षयकारिता जानन देखन शक्ति में पाई जाती है, जो निगोदी का भी जानन देखन स्वभाव है उसमें भी पाप क्षयकारिता सिद्ध की। बनारसीदास जी ने इसी तर्ज पर निमित्तोपादान चिट्ठी वगैरह में गर्भित शुद्धता की बात की है और यहाँ तक कहा है जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के भी जो विशुद्धता है वह यथाख्यात चरित्र का अंकुर है, जो जानना देखना निगोदी का पाया जा रहा है जिसके बल पर वह व्यवहार राशि में निकल आता है, उसको उन्होंने केवल ज्ञान का अंकुर कहा है। ये प्रकरण था निष्कर्ष प्रकरण का, इससे हमें शिक्षा क्या लेना चाहिए। ये मनोबल हमारा दिन रात घटता जाता है, आचार्य देव को इसकी पीड़ा थी, बहुत खेद था, इतना सुंदर माल होते हुए भी ये क्यों उलझ रहा है जीव यहाँ वहाँ। और ये समझाने के लिए आचार्य देव ये बताना चाहते हैं जैसी जाति उनकी है वैसी जाति अपनी है, उनमें और हम में कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यदि भूतकाल ही देखना है तो उनका कहा अच्छा था, उनका मतलब वेदी में विराजमान वालों, भूतकाल ही देखना है तो वहाँ उनका कहा अच्छा था, भविष्यकाल ही देखना है तो हमारा कहा खराब है, और यदि वर्तमान की बात तुम करते हो तो वर्तमान पर्याय में समानता दिखाई जा रही है और पर्यायार्थिक नय से भी हम दोनों समान है। ये पर्टिकुलर पर्यायार्थिक नय इसको कहते हैं कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय। कोई कहे पर्याय से भी भगवान और हम समान हैं तब भी आपको मान लेना चाहिए इस बात को। एक उदाहरण से मैं बात को पूर्ण करूँगा, उदाहरण सिंपल है, थोड़ा सा विचार करना, आप लोगों ने कई दफ़े इस उदाहरण को सुना होगा, मैं कुछ नई रहस्य की बात करूँगा, थोड़ा और गहरा उतरेंगे। खोलता पानी है, खोलते पानी को आग पर डाला गया, आग का क्या हुआ, बुझ गई मान के चलिए, ओके। हमने पूछा साइंटिफिकली इसको प्रूव करना है वैज्ञानिक तरीके से कि ये कैसे बुझ गई, विज्ञान मतलब हमारा वितरक विज्ञान का भी सहारा लेना ही है उसमें, तो कैसे बुझ गई आप क्या कहेंगे। जल का स्वभाव त्रिकाल स्वभाव कैसा है, शीतल, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा पर्याय कैसी है उसकी, खोलती हुई पर्याय। फिर मेरा प्रश्न है वो जो आग बुझी है वो किसके कारण बुझी है, आप में से कोई उत्तर देगा, हाँ, शीतल स्वभाव के कारण। मैं फिर एक सुंदर बात कहूँगा आपको, जो रीढ़ की हड्डी है आज के प्रकरण की, स्वभाव निष्क्रिय हुआ करता है, स्वभाव काम नहीं करता कुछ भी, स्वभाव कैसा भी हो फल उसका नहीं भोगा जाता, इसी को कहते हैं त्रिकाल स्वभाव का कभी भी वेदन नहीं होता। वेदन तो पर्याय का होता है क्योंकि कार्य पर्याय करती है। अभी फिर मेरा प्रश्न है आग को किसने बुझाया,
एक बात तो तय हुई इतनी चर्चा में, क्या तय हुई? स्वभाव भले ही शीतल है लेकिन स्वभाव कभी भी सक्रिय नहीं हुआ करता, क्योंकि कार्य तो पर्याय का नाम है, त्रिकाल स्वभाव का नाम कार्य होता भी नहीं है। तो शीतल है वो तो स्वभाव है और खोलता है वो तो पर्याय है, तो फिर बुझाया किसने? आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा स्वभाव तो नहीं, ये कार्य ही है कहीं जिसने आग को बुझाया है, यह पर्याय ही है कहीं जिसने आग को बुझाया है। वो पर्याय कौन सी? वो शीतलता का अंश इस खोलते पानी में भी विद्यमान है, ऐसा आपको अनुमान से मानना पड़ेगा। उसके बिना वो आग बुझती ही नहीं। ठीक उसी प्रकार पर्याय में संसारियों को पर्याय में भी सिद्धवत शुद्ध बोला जा रहा है, और इसके बल पर यहाँ पर समग्र प्रकरण में जीव मात्र को मंगलपना सिद्ध किया है, और मंगलपने का हेतु केवल ज्ञान केवल दर्शन बताया गया है। ध्यान रखना यहाँ पर केवल ज्ञान केवल दर्शन जीव के लक्षण की बात करी गई है, जो त्रिकाल पाया जाता है, निरावरण पाया जाता है। ऐसी चर्चा समय सार में भी की है जगह जगह। उदाहरण के तौर पर 24वीं गाथा समय सार की, जिसमें ओगो लक्षणो नित्यम मूल शब्द है कुनकुन स्वामी के। जीव का लक्षण नित्य ही उपयोगमयी है। उसकी टीका करते समय जयसेन स्वामी कहते हैं, क्योंकि जीव के केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप परिणमन का कभी भी लोप नहीं होता, क्योंकि उसके लोप से जीव के ही लोप का प्रसंग आएगा। केवल दर्शन ज्ञान जीव मात्र में पाया जाता है, यहाँ पर केवल मीन्स शुद्ध, और वो नेचर यदि यहाँ पर नहीं होता तो पर्याय में भी इसका प्रगटपना नहीं होता। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर रोचक आध्यात्मिक प्रकरण है, इसलिए धवल जय धवल महाधवल जैसे नाम सुनकर हमको डरना नहीं चाहिए, और उत्तराधिकारी है हम इस संपत्ति के, तो हमारा फर्ज तो वैसे ही बनता है पिताजी की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को देखना समझना। तो ये सब इतना अथा शास्त्र समुद्र है या हमारे रमण करने के लिए है। ऐसे कई प्रकरण इस गर्भ में कई रत्न छिपे हैं, उसको हमें अध्ययन करके समझना चाहिए। ओम।